चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सेल हुज ईएमएफ इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम इज कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल टर्मिनल विल बी, क्या होगा? तो सबसे पहले डिस्चार्जिंग के केस में फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, ये होता है। तो वीटी इज इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस आई आर, लेकिन इसमें करंट नहीं दिया हुआ है, तो करंट निकालने के लिए टोटल करंट जो सर्किट में होती है, तो ईएमएफ अपॉन क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का सम, ठीक है। तो ईएमएफ दिया हुआ 2 वोल्ट, तो 2 डिवाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3.9 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, हो गया 2/4 यानी 1/2। ये टोटल करंट हो गई 0.5 एम्पियर, ये हो गई। ये वैल्यू उठा कर रख दो यहां पर, यही जो करंट है वही टोटल करंट है एक्चुअली। तो 2 माइनस 0.5 इंटू आर की वैल्यू 0.1, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0.05 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1.95 हो जाएगा वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1.95 वोल्ट, ये हो गया सी पॉइंट, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।